हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बनाएंगे गुड मॉर्निंग गोल्डन स्मूदी। गुड मॉर्निंग इसीलिए क्योंकि इसको पीने के बाद आपकी मॉर्निंग्स बहुत ही गुड, इनफैक्ट बेस्ट होने वाली हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक, इनफैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट नरिशिंग ड्रिंक जो मैं कंज्यूम करती हूँ। इट्स लो इन कैलोरी, आपकी इम्यूनिटी के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी स्टमक के लिए बहुत ही अच्छी है। नाउ मॉर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल टाइम ऑफ द डे। ऐसे में कामनेस और पीस जो है उसको थोड़ा सा एनर्जाइज और रिवाइटलाइज करने के लिए यानी कन्वर्ट करने के लिए ये ड्रिंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। बनाना बहुत आसान है, विद इन 5 to 7 मिनट्स आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स से लोडेड है ये, एक परफेक्ट स्टार्ट देगा आपकी बिजी मॉर्निंग को, स्पेशली किसी दिन जब आप लाइट खाना चाहते हैं बट चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी तरह से नरिश हो, अच्छी तरह से एनर्जाइज रहे, तब ये आपका गो टू ड्रिंक बनने वाला है। बेनिफिट्स की बात करूँ तो इम्यूनिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, आपकी स्किन, हेयर, आईसाइट के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए और आपकी बोन्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 कैरेट ली हैं, आप रॉ ले सकते हैं या फिर स्लाइटली उन्हें स्टीम कर सकते हैं बहुत कम देर के लिए, इससे टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मैंगो लिया है 1/2 कप के आसपास। नाउ मैंगो जो है वो इसमें टेस्ट और फ्लेवर लेकर आएगा। मैंगोज आर गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन केस वो सीजन से आउट हो गए हैं। आप पाइनएप्पल, प्लम या एप्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के अंदर। होममेड आमंड मिल्क है, 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है। आमंड मिल्क को बनाने की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। कोकोनट मिल्क भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेश मैंने यहाँ पर हल्दी ली है, ये कच्ची हल्दी है। इन केस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 ऑर्गेनिक टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर के साथ। तो 3 से 4 ग्राम अगर वेट में मैं बात करूं तो उतना है ये। काली मिर्च का पाउडर 1 पिंच हमें लेना है। काली मिर्च आपको हल्दी के साथ हमेशा ऐड करनी चाहिए क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन हल्दी की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। हल्दी के अंदर होता है कर्क्यूमिन और हमारे ब्लैक पेपर यानी काले मिर्च के अंदर होता है कर्क्यूमाइन। दोनों का कॉम्बिनेशन हल्दी की अब्जॉर्प्शन को, उसके बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन को 2000% तक इंक्रीज कर देता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको हल्दी के पूरे न्यूट्रिशन चाहिए तो काली मिर्च उसके साथ ज़रूर कंबाइन करें। नेक्स्ट हमने जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है हनी। हनी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, मैंने 2 चम्मच लिए हैं, आप 1 या 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि जो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं उसे न्यूट्रलाइज करेगा ये और उसे टेस्टी बनाएगा। अदरवाइज थोड़ी सी किक लगेगी आपको जब भी आप स्मूदी ड्रिंक करेंगे। मैंने जिंजर भी लिया है छोटा टुकड़ा और ये है मिक्स्ड सीड्स का पाउडर। तो इसके अंदर पम्पकिन सीड्स हैं, थोड़े से सनफ्लावर सीड्स हैं, मेरे पास ये मिक्सचर रखा हुआ था। अदरवाइज आप ये स्मूदी बनाकर हल्के से टोस्ट करके ऊपर से भी सीड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, सिंपली सारे इंग्रेडिएंट्स हमें ब्लेंडिंग जार में ऐड करने हैं। तो मैंने मैंगो, जिंजर, फ्रेश टर्मरिक, मिक्स सीड्स का पाउडर, ब्लैक पेपर का पाउडर, हनी और अपनी स्टीम कैरेट को दूध के साथ मिक्स करके ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी जब तक कि बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इसकी कंसिस्टेंसी काफी स्मूथ हो।
तो हमारी जो स्मूदी है बनकर तैयार हो गई है। इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक सर्विंग जार या ग्लास के अंदर। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और डिलिशियस है, इसीलिए मैं इसे कहती हूँ मेरी गुड मॉर्निंग स्मूदी और गुड मॉर्निंग गोल्डन स्मूदी, क्योंकि आपकी मॉर्निंग्स को ये गोल्डन कर देती है। साथ ही हल्दी को भी हम गोल्डन स्पाइस कहते हैं, इसीलिए वहाँ से भी इसका नाम पड़ा है। सो एज आई सेड, आप सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इनकेस आपके पास कुछ भी नहीं है तो बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो हर सीजन में रहता है। आप थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं, बनाना आपको ज़्यादा उसमें ऐड नहीं करना है। सो डू ट्राई दिस। अगर न्यूट्रिशन की बात करूँ, विटामिन ए है, सी है इसके अंदर, इट इज़ लोडेड विद एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड पॉलीफिनॉल्स। कैरेट यानी गाजर जो होती है उनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ बी विटामिंस, विटामिन के होता है उसके अंदर और पोटेशियम भी। आमंड का दूध यानी बादाम का दूध जो है उसमें विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अच्छा काम करता है। साथ ही लैक्टोज फ्री होता है, यानी अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है तो आप उसे ले सकते हैं। अगर आप स्मूदी को वीगन बनाना चाहते हैं तो आप हनी को जैगरी पाउडर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो काउंट ऑन दिस रेसिपी फॉर मोर रिफ्रेशिंग एंड अपलिफ्टिंग मॉर्निंग्स। इसे ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करते हैं तो रेसिपी की पिक्चर लेके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस रेसिपी का टेक्स्ट फॉर्म आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, कैलोरीज वगैरह सब मैंने शेयर की हुई हैं। सो Stay healthy, stay fit, stay active and stay safe. I'll be back very soon. Until next time, you take care. I'll be back with another healthy, interesting and nutritious recipe. Until next time, bye-bye.